कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक में शुमार राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अभी अभी आर्य बालक स्कूल में वोट कास्ट किया है और लगातार इलेक्शन कैंपेन में आप व्यस्त हैं, सागर भी आपको निकलना है। तो सर, मैं आपसे सिर्फ जबलपुर ही नहीं, फर्स्ट फेज की सभी मध्य प्रदेश की 6 सीटें और एक छत्तीसगढ़ की एक और सीट बस्तर के बारे में भी बात करूंगा। क्या आपको माहौल नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँचा। अच्छी संख्या में मतदाता यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब लोगों को इस चुनाव में रुचि है। एक दूसरा, क्योंकि मैं जल्दी में था तो मैंने मतदाताओं से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ पूछा कि क्या मैं अपना वोट पहले डाल सकता हूँ। सबकी अनुमति के साथ फिर मैं अंदर गया, और जब मैं अंदर गया तो मुझे एक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इस बैलेट बॉक्स के पीछे एक नई प्रजातंत्र, नई रोशनी का उधार हो रहा है। और मैं जो देखा, मेरे को समझ आ रहा है, लोगों के शहरों में जो चेहरों में जो एक नई उमंग देख रहा हूँ, मुझसे लग रहा है कि लोग जैसे इमरजेंसी के बाद तंग होकर बाहर निकले थे, उसी तरह ये भी एक अघोषित इमरजेंसी के बाद लोग बाहर निकले हैं, एक नई हवा में बाहर निकले हैं। लोग चाहते हैं कि नया प्रजातंत्र इस देश में फिर से स्थापित हो, और जो तमाम एजेंसीज का जो मिसयूज चल रहा था या तमाम इंस्टीट्यूशंस का डिवेल्यूएशन चल रहा था, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक था, उसके विरुद्ध ये आवाज़ है। तो सर, पोलिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो आपको यकीन है ये कांग्रेस के फेवर में होगा? निश्चित रूप से, अगर पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑलवेज इट्स अ वोट फॉर चेंज। जी, और अगर सर यहाँ पर राहुल जी के न्याय पत्र की बात की जाए, वहाँ बीजेपी की मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, मुकाबले को किस तरह से? हमारा जो मैनिफेस्टो है बहुत ही बेहतरीन मैनिफेस्टो है, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि पूरा देश उस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा है, चाहे उसमें नारी न्याय हो, चाहे युवा न्याय हो, चाहे श्रमिक न्याय हो, चाहे सामान्य लोग और ओबीसी का न्याय की बात की, एससी एसटी की बात की, सबकी बात की है। और मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में एक प्रजातांत्रिक न्याय हो, जो प्रजातंत्र के माध्यम से जो न्याय होता है उसी को हम प्रजातांत्रिक न्याय कहते हैं। सर, बीजेपी ने मिशन 29, वहाँ 400 पार का नारा दिया हुआ, आप किस तरह से इसे लेते हैं? और छिंदवाड़ा की जिस तरह से घेराबंदी की है, आपके कई बड़े नेता जो हैं यहाँ इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ पाए? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नकुल नाथ जी मेरे ओपिनियन में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, दिग्विजय जी राजगढ़ में बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, और मैं आपको निश्चित कर बोलना चाहता हूँ, अगर 5-7 सीट का भी मध्य प्रदेश में इजाफा हुआ, मान के चलना देश की सरकार बदल रही है। तो आपको ये यकीन है कि 5-7 सीट कांग्रेस कम से कम लेकर आएगी? मैं तो कह रहा हूँ, जो लोग तो 9-10 की बात कर रहे हैं, मैं 5-7 की बोल रहा हूँ। अगर 5-7 सीट का इजाफा हुआ, मान के चलना देश की सरकार बदल रही है। बड़ी बात कही है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने, अभी अभी उन्होंने जबलपुर में एक पोलिंग बूथ में मतदान किया और कह रहे हैं कि 5-7 सीटें कांग्रेस पार्टी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में जरूर लेकर आएगी। कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा सेफ है, नकुलनाथ जरूर चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनके इन दावों के मुताबिक देखना होगा कि जनादेश ईवीएम में जनता क्या कैद कर रही है। हालांकि वो कह रहे हैं कि यदि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित मान के चलिए कांग्रेस को एक फेवर जनता से मिलने जा रहा है, इसका अंजाम चुनाव परिणाम में देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।